हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास ट्वेल्थ हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि पांच सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इन निबंध को बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। यानी दोस्तों, अगर बात करें तो ये जो निबंध हम लेकर के आए बिल्कुल विस्तार में आपको बताने वाले इस वीडियो में, और साथ में आपको ये बताने वाले कि आपके सिलेबस के अनुसार ये पांच इंपॉर्टेंट निबंध लेकर के आए हैं, क्योंकि सिलेबस में जो है उसी आधार पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यानी दोस्तों, आपको बिल्कुल 9 अंक यहाँ से पक्का हो जाने हैं अगर ये आप निबंध तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का निबंध जो है हम सिलेबस के अनुसार बताएंगे, और आपको सिलेबस में भी दिखाएंगे कि सिलेबस में आपको निबंध कौन सा दिया है और कौन आपको तैयार करना है। दुनिया भर का निबंध तैयार करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में जहां तक हो सके शेयर जरूर करिएगा। साथ में जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हुए हैं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में जो बच्चे 2024 की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में हमारा 85% स्कोर आ जाए, उससे ज्यादा भी आ जाए, तो आपको सिंपल से काम करना होगा। चैनल को तो आपको सब्सक्राइब तुरंत करना है, साथ में आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, और इन दोनों वीडियो का, इन दोनों ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और ये ग्रुप बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट के पढ़ाई के लिए बिल्कुल फ्री बनाया गया है, ताकि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो पाए। तो टेलीग्राम का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तुरंत जाकर जुड़ जाइएगा, और पढ़ाने के बाद इसका PDF जो भी इंपॉर्टेंट रहता है हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, ताकि आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर पाए। और दोस्तों, आप सभी बच्चों को बताते चले कि हमने प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट का यानी ऑल सब्जेक्ट का जो है हमने चैप्टर में इंपॉर्टेंट का प्लेलिस्ट बना दिया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, जो बच्चे का जो चैप्टर नहीं कंप्लीट है आप जाकर के देख पाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सिलेबस में क्या है पहले वो देखिए, उसके बाद हम पांच आपको इंपॉर्टेंट निबंध भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 2024 सिलेबस के अनुसार जो है आपको बोर्ड परीक्षा में 7 प्रकार के निबंध पूछे जाएंगे, या आपके बिल्कुल सिलेबस में आपको डिटेल में दिया गया है, ठीक है। आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं, जो दिया गया उसके आधार पर आपको पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर जो सिलेबस आपको सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको बोर्ड पेपर में किससे आपके यहाँ पर निबंध पूछे जाएंगे। पहला आपको दिया है विज्ञान, दूसरा दिया है वाणिज्य, ठीक है, तीसरा शिक्षा से आपको निबंध पूछे जाएंगे, चौथा आपके कृषि से, पांचवा है सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या सामाजिक या राजनीतिक से जितने भी टॉपिक क्वेश्चन बन सकते हैं आपके निबंध पर वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और छठा आपसे पूछा जाएगा स्वास्थ्य शिक्षा पर, उससे पूछे, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा पर बात करें तो कैसे पूछेगा एग्जाम में, जैसे कहेगा विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व पर आप टिप्पणी लिखिए इस तरीके से। और लास्ट वाला जो दिया था वो पर्यावरण, तो पर्यावरण आप जानते हैं पर्यावरण पर कई टॉपिक से आपसे बनाए जा सकते हैं एग्जाम में आपके निबंध, तो इस तरीके से ये सिलेबस में सिलेबस में 7 प्रकार से आपको दिया है कि इन इन टॉपिक के अंतर्गत यानी इनके आधार पर जो है हम आपसे निबंध एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है, क्लियर होगी बात। ये सिलेबस में बिल्कुल डिटेल आपको ये दिया हुआ है, अब इसके अनुसार ही आपको पढ़ाई करनी है, और ज्यादा आपको निबंध भी पढ़ना नहीं है, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं तो निबंध आपको क्वेश्चन नंबर 14 में मिलेगा, हिंदी के क्वेश्चन नंबर 14 में मिलेगा, और इसमें आपको 5 निबंध मिलेंगे, ठीक है, इसमें 5 निबंध मिलेंगे, और सब रहेगा आपके ये रहेगा आपका 9 अंक का, और दिया कैसे रहेगा 2+7=9, इसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता देते हैं ये किस तरीके से और क्यों दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 मिलेगा, 5 आपको निबंध रहेगा, उसमें से किसी एक पर करना, और बहुत ही सिंपल से आप कर पाएंगे, ठीक है, और आपको जो इसमें ट्रिक भी बता देंगे, और वो आप दो हेडिंग आपका कॉमन रहेगा, बाकी कुछ हेडिंग आप बना करके लिख पाएंगे। और ध्यान सुनेगा, अब जैसे यहाँ पर 2+7=9 दिया है, यानी 9 अंक का है, 2 अंक बच्चों जो ये दिया हुआ ये किसके लिए दिया हुआ, ये आपको रूप रेखा लिखने के लिए दिया हुआ। अब कहेंगे सर रूपरेखा क्या होता है, बच्चों रूपरेखा वही होता है जिसमें आप हेडिंग लिखते हैं, यानी आपने जितने भी हेडिंग बना करके किसी भी निबंध को लिखा, उस निबंध का जितना हेडिंग आपने लिखा उसी रूपरेखा में आप एक नंबर, जैसे प्रस्तावना आपने डाला तो एक पहला हो जाएगा आपका प्रस्तावना, ठीक है, और उसके बाद आपका दूसरा हेडिंग जो भी डाले, तीसरा आप जो भी डालें, चौथा जो भी डालें, पांचवा जो भी डालें, वो आप इस तरीके इसी में आप लिख देंगे, और छठा लास्ट वाला जो रहेगा आपका क्या रहेगा उपसंहार, ठीक है, इस तरीके आपको 5 से 7 हेडिंग लिखनी है, जिसमें से 2 हेडिंग आपके बच्चों का कामा रहेगा, एक रहेगा आपका प्रस्तावना का, दूसरा रहेगा बच्चों आपका उपसंहार का। कोई भी आप निबंध लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, कोई भी निबंध लिखेगा ये 2 आपका हेडिंग कामा रहेगा,
प्रस्तावना। प्रस्तावना में बच्चों क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको मोटी मोटी यानी परिचय बताया जाता है। उपसंहार में बच्चों निष्कर्ष क्या निकलती है अपने बारे में, उस टॉपिक के बारे में क्या निष्कर्ष निकलते हैं वो आपको लिखना होता है उपसंहार में, ठीक है। बाकी उसमें कारण प्रकार ये सब चीज़ें आप दिखा सकते हैं उसके बीच में। इस तरीके से आप कोई भी निबंध को परिपूर्ण तरीके से आप लिख पाएंगे और इसमें आपको पूरे पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। तो ये 7 2+7 का भी हमने आपको तरीका बता दिया कि ये कैसे आपको 9 में 9 अंक कैसे मिलेगा। अब बच्चों पढ़ते हैं आगे कि आपको 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ने चाहिए, और इस पे से कोई भी निबंध पर आपको वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये आप देख पाएंगे, और भी आप क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं क्योंकि सिलेबस में आपको इतने दिए हैं, इन टॉपिक के आधार पर कोई भी आपसे निबंध पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमने पहला लिया हुआ है जैसे उसमें विज्ञान दिया, तो विज्ञान में आपका विज्ञान वरदान या अभिशाप या विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आपको इसमें बदल करके पूछे जा सकते हैं तो आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आया भी है। दूसरा जो हमने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया हो कि भारतीय किसान समस्याएं और समाधान या कृषक जीवन की त्रासदी, और ये देखिएगा वही चीजें किसान, भारतीय किसान या कृषक जीवन की त्रासदी या समस्या और समाधान, और ये क्वेश्चन जो है आपको 2023 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अब देख सकते हैं चीजें वही है, अब थोड़ा सा टॉपिक आपको बदल करके पूछा जा सकता है। और जैसे यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, यहाँ देख पाएंगे आपको कृषि के लिए दिया हुआ सिलेबस में, ठीक है, और कृषि के आधार पर आपको कैसे क्वेश्चन मिला आपको निबंध में देख पाएंगे यहाँ पर कि भारतीय किसान, अब देखिएगा समस्या और समाधान ये किससे रिलेटेड टॉपिक है, कृषि से, और कृषक जीवन की त्रासदी या तो आपसे ये डायरेक्ट पूछे लिया जाए इस तरीके से। तीसरा पॉइंट कहता है शिक्षा में खेल कूद का स्थान, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कहेंगे सर शिक्षा में खेल कूद का स्थान, तो देखिए सिलेबस में आप देखिएगा स्वास्थ्य शिक्षा या आप देख सकते हैं शिक्षा, इसके अंतर्गत आपके ये टॉपिक बन गया। अब देख सकते हैं ये सिलेबस है और सिलेबस के हिसाब से आपसे आपके यहाँ पर आपके निबंध पूछे जा रहे हैं। और चौथा आपका आतंकवाद, अब कहेंगे सर आतंकवाद उसमें तो दिया ही नहीं है सिलेबस में, दिया है, अब देखिए कहाँ दिया, ध्यान सुनिएगा, यहाँ सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, ये चीजें आपके किसके अंतर्गत आ जाएगा, आतंकवाद के अंतर्गत भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आतंकवाद पर आपसे निबंध पूछा गया एग्जाम में और बहुत बार पूछा गया, और ये भी आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपसे आतंकवाद कारण या निवारण, भारत में आतंकवाद इसकी समस्या और समाधान क्या है, यह सब या आतंकवाद विश्व की समस्या, इस तरीके से आपके टॉपिक एग्जाम में पूछेंगे तो आप कर पाएंगे, ठीक है। पांचवा है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, और इसको ऐसे कारण निवारण इस तरीके से भी आपसे पूछा जाएगा और देख सकते हैं सिलेबस में यहाँ पर लास्ट में पर्यावरण दिया हुआ है, और पर्यावरण के आधार पर ये आपका पांचवा आपके यहाँ पर निबंध हो जाता है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान कारण निवारण इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। छठा हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया ये भारत में और नियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, तो ये चीजें इसी पर निर्भर करती है पर्यावरण और ये सामाजिक राजनीतिक चेतना पर, ठीक है। तो उसके अंतर्गत ये आपका टॉपिक आ जाता है और इसको आपको तैयार करना है, और इनमें इन 6 में से कोई भी टॉपिक को आपको निबंध चाहिए तो सभी बच्चों को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, तो कमेंट करेंगे तो उसी कमेंट के आधार पर निबंध आप कैसे लिखेंगे हम वो भी समझा देंगे, और उसके साथ साथ आपका एक निबंध भी तैयार हो जाएगा, एक वीडियो में आपको दोनों काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा संख्या में कमेंट करनी है। तो हमने बच्चों आपको ये समझा दिया कि आपके हकीकत सिलेबस में क्या दिया हुआ है और उसके आधार पर कौन सा निबंध पूछेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़नी है, और हमने आपको निबंध में 2 कॉमन हेडिंग भी बता दिया, एक प्रस्तावना का, एक उपसंहार का। प्रस्तावना कोई भी निबंध लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे, और उपसंहार को कोई भी निबंध लिखेंगे सब हेडिंग डालने के बाद लास्ट वाला आपका रहेगा उपसंहार, उतने से एग्जाम में समझ जाता है कि बच्चे के पास अच्छी जानकारी और अच्छे से लिखा हुआ। अगर जो बच्चा रूपरेखा भी लिख देता है, रूपरेखा में क्या होता है बच्चों जो भी आप हेडिंग डाल कर लिखते हो वहीं आपको यहाँ पर लिखना होता है। अब कहेंगे सर तुरंत तो याद नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पहला डालिए प्रस्तावना यहाँ डालकर 2 3 4 5 लाइन छोड़ दीजिएगा, छोड़ने के बाद आप यहाँ पर प्रस्तावना डाल दीजिएगा और प्रस्तावना डाल करके आप लिखना शुरू कर दीजिएगा। जो आप हेडिंग जैसे प्रस्तावना आपने लिखा, हाँ इसके बारे में हमको पता हो गया, यानी कि जैसे कि अगर बात लेते हैं कि आपको पूछ दिया जाता है प्रदूषण के बारे में, ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तब आप लिख दिए आपका प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, प्रकार, तो आपको याद हो गया हेडिंग, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए दूसरा कि प्रदूषण के प्रकार, दूसरा हेडिंग हो गया। तीसरा हेडिंग आपने डाला इसमें कि इसके प्रकार में आपका ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण,
मिर्जापुर तो ये डाला, इसमें आप पहला दूसरा डाल कर लिख दीजिएगा और इस तरीके से आपका हेडिंग तैयार हो गया, ठीक है। और लास्ट वाला आप हेडिंग डाल देंगे उपसंहार, एग्जामर समझ जाएगा बच्चा ने रूपरेखा भी लिखा हुआ है और रूपरेखा आप रूपरेखा जो हेडिंग आपने डाल दिया है उतने से एग्जामर आपको नंबर दे देगा। आपका वो कोई भी आपका निबंध पढ़ेगा नहीं ज़्यादा, बस आपका पन्ना पेज पलट कर देख लेगा कि बच्चा कितना लिखा हुआ है और आप अच्छे से लिखे रहेंगे तो आपको 9 में 9 अंक 8 अंक 8.5 अंक आपको आसानी से मिल जाने हैं। सिंपल बात है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है और इसी तरीके से प्लानिंग भी आपको करके चलनी है। फिर भी किसी बच्चों को निबंध में कहीं प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो दोस्तों ये समाप्त करते हैं। तो चलते चलते एक बार आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, ज़्यादा संख्या शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करवा लीजिएगा, साथ में आप लोग चैनल को और घंटी को दबा लीजिएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य है। इसका लिंक हमने इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया, इसका भी लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जाइए और अपने जो भी आपका चैप्टर छूटा हुआ है इंपॉर्टेंट का उसको आप देखिए और उसको अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। बाकी इसी तरीके से और सारे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और भी इसी तरीके से क्लासेस चलते रहेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके चलना है। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।